हेलो माई डियर फ्रेंड्स वंस अगेन आई एम हियर टू टीच यू अ फ्यू इंपॉर्टेंट वर्ड्स ओके सो प्लीज टेक अ लुक हेयर द वट इज कोलोजन राइट सी ओ एल ओ डबल एस ए एल राइट कोलोसन वट इज इट मीन तो इसका मीनिंग क्या होता है याद कर लो जाइगेंटिक या इमेंस या इनॉर्मस ओके क्लोसल चिके क्या जाइगेंटिक इमेंस इनॉर्मस या प्रोडिजियस उसका मीनिंग क्या हो गया चायंट मीस वेरी लार्ज देखो एक आसान सा वर्ड लास्ट में मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए राइट right? तो याद रखो क्लोज़र किसे कहते हैं बहुत बड़े शरीर वाला विशाल राइट right? जिसे कहते हैं वेरी लार्ज तो याद रखो क्लोजल या चाइगेंटिक इमेंस इनॉर्मस प्रोडिजियस चाइंट वेरी लार्ज राइट एक्स्ट्रा लार्ज उसे हम क्या बोलते हैं क्लोजल फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट राइट तो हाथी कैसा होता है देखो उसके लिए सारे वर्ड्स आ सकते हैं इसका अपोज़िट क्या हो जाएगा टाइनी वेरी इस्माल जो बहुत ही छोटा हो राइट right? तो उसे इसका अपोजिट वो हो जाएगा नेक्स्ट वर्ड लिखो देखो एब्सोल्यूशन व्हाट डज इट मीन तो एब्सोल्यूशन ओके okay, इसका वर्ब जो होता है वो क्या होता है एब्जोल्व तो सबसे पहले ये वर्ब को समझो एब्जोल्व ये क्या है इसका नाउन है राइट right? इसका मीनिंग क्या होता इसका होता है एक्न राइट एक् का मीनिंग होता एक्ट ओके okay? इसका मतलब होता है फ्री फ्री फ्रॉम लीगल चार्ज राइट दोष मुक्त साबित होना बेगुना साबित होना तो उसे क्या बोलेंगे इसका अपोजिट हो जाएगा कन्विक्ट दोषी ओके दोषी पाया जाना अब ये सारे वर्ड के नाउन बना सकते हो आप एब्सोल्यूशन का देखो इसका क्या हो जाएगा एक्जोनरेशन ओके एक्जोनरेशन एक्विटल एक्विटल और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा कन्विक्शन राइट right? तो ये सारे वर्ड याद रखो एबसॉल्व या एब्सोल्यूशन एक्जोनरेट या एक्जोनरेशन एक्विट acquitt, या एक्विटल राइट right? और अपोजिट हो जाएगा इसका कन्विक्ट और इसका क्या हो जाएगा कन्विक्शन नाउ द पॉइंट इज क्लियर ओके देखो नेक्स्ट वर्ड जो मैं सिखाऊं आपको वो क्या है जिंगोइस्ट द वर्ड इज जे आई एन जी ओ आई एस टी जिंगोइस्ट इसका मीनिंग क्या होता जिंगोइस्ट का मीनिंग क्या होता है इसका मीनिंग होता है नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी राइट इसे कहते हैं शॉविनिस्ट शॉविनिस्ट ओके शॉविनिस्ट किसे कहते हैं एक वर्ड देखो मेल शॉविनिस्ट क्या मेल शॉविनिस्ट वैसे इंसान को कहते हैं जो ये समझता है कि सिर्फ पुरुष ही अच्छे हैं महिला से जो मतलब जो काम सिर्फ पुरुष कर सकते हैं वह महिलाएँ है नहीं कर सकती राइट तो उसे हम क्या कहते हैं मेल शॉविनिस्ट मीन्स अ मैन हु थिंक्स दैट मेन आर बेटर देन वीमेन राइट वैसा पुरुष जो ये सोचता है कि महिलाएं हैं महिलाओं से बेहतर कौन है पुरुष ऐसे इसे हम क्या बोलते हैं अ मेल शॉविनिस्ट ओके और ऐसे सपोर्ट क्या कहते हैं शॉविनिस्ट नेशनलिस्ट जिंगोइस्ट राइट right. <coughs> जो जो अपने देश के फेवर में हो देश के सपोर्ट में होता है उसे क्या बोलते हैं नेशनलिस्ट या जिंगोइस्ट, शॉविनिस्ट ओके okay? नेक्स्ट वर्ड देखो हेजोर्ड राइट right. ये नाउन है इसका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा हेजॉर्डस ओके okay? इसका मीनिंग क्या होता Peril, तो ये क्या हो जाएगा पैरिलस ओके okay. तो हजार पेरिल या डिजास्टर ओके okay. इसी कर दो तो हो जाएगा ये डिजास्टर्स ओके या कैटास्ट्रोफी कैटास्ट्रोफी राइट और इसका एडजेक्टिव बनाओगे तो ये बन जाएगा कैटास्ट्रोफिक ओके कैटास्ट्रोफी कैटास्ट्रोफिक ड्स आर एडजेक्टिव राइट और ये जो ऊपर वाले सारे वर्ड्स हैं वो क्या है नाउन है राइट right? तो एग्जाम में कभी या तो वो एज्जेक्टिव के फॉर्म में पूछे जाते हैं ये सारे वर्ड्स या कभी नाउन के राइट तो इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा सेफ ओके okay? जैसे देखो इसी देख वर्ड क्या होता है जियोपडाइज क्या है जियोपोडाइज या इसका नाम जियोपडी इसका तो मीनिंग हो जाएगा पेरिल राइट या डिजास्टर जियोपर्डी ये वर्वे राइट इसका मीनिंग होता है रिस्क रिस्क लूजिंग समवन और समथिंग मीन्स किसी को या किसी चीज को खोने का जो हम रिस्क लेते हैं उसे क्या कहते हैं जियोपडाइज डू यू वॉन्ट टू जियोपडाइज योर करियर क्या आप अपने करियर को दौ पे लगाना चाहते हो उसे क्या कहते हैं जियोपडाइज राइट इसका अपोजिट वर्ड क्या है सेफ राइट विदाउट एनी एन रिस्क देखो नेक्स्ट वर्ड डिफायंट दर्ड इज डिफाइंट देखो डिफाइंट जो वर्ड है यह क्या है एजेक्टिव है ओके okay? तो समझो पहले वर्ड को ये वर्ड है डिफाई क्योंकि एक वर्ब होता right? Defiance. है राइट डिफाइंस right? तो ये क्या है नाउन है राइट ए एन सी हो तो यह नाउन की तरह काम करता है ये वर्ब है और यह क्या है एजेक्टिव डिफाइंट ओके तो डिफाइंड का मीनिंग क्या होता ओबीडियंट ओके मींस रिबेलियस ओके मींस डेयरफुल डिफाई का मीनिंग होता है डिस करना मींस किसी की बात को नहीं मानना मैं कहूँ कि जाओ ग्लास पानी लेकर आओ okay, ओके वो कहता जाकर खुद से लो मींस ही डिफाइज ओके और ऐसा करने वाला क्या बोलते हैं डिफाइंट ओकेज डिफाइंट मीन्स डिस ओबीडियंट अपोजिट क्या हो जाएगा इसका बताओ तो डिफाई का डिसबे इसका अपोजिट हो जाएगा ओबे और एडजेक्टिव ओबीडियंट और इसका नाउन ओबीडियंस राइट right? इसका नाउन सिनोनिम क्या हो जाएगा डिस राइट right? इसका देखो एक वर्ड है डोसाइल ओके okay? इसका मीनिंग होता है ओबीडियंट डोसाइल ओबीडियंट मीन्स सबमिसिव, एस यू बी एम आई डबल एस आई वी राइट डोसाइल, ओबीडियंट सबमिसिव। क्लियर? तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए डिफाइंड के इसके अपोजिट ये हैं और ये सारे अपोजिट वर्ड हैं मीन्स सारे एंटोनिम्स हैं तो एक साथ कई सिनोनम भी आप सीख गए और कई एंटोनिम्स भी ठीक है वाट एक्चुअली यू नीड इज टू हैव अ रेगुलस प्रैक्टिस ओके देखो रिवरेंट अब देखो वर्ड कई तरह से बनकर आ सकता रिवर रिवरेंट रिवरेंस राइट तो रिवरेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है इसका नाउन हो जाएगा reverence, ओके okay? तो रिवरेंट का मतलब क्या होता है रेस्पेक्ट रिवरेंट का मीनिंग क्या होता लिख लो पायस ओके मीन्स जो रेस्पेक्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं ट ओके okay? और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा जो जो डिसऑनर करता है किसी को राइट क्लियर रिवरेंस रेफरेंस का मतलब ऑनर रेस्पेक्ट क्लियर इसका अपोजिट अपोजिट क्या होगा इसमें डिस लगा दो डिस ऑनर राइट जो रेस्पेक्ट नहीं करता है ओके नेक्स्ट वर्ड लिखो फ्रजाइल इसका मीनिंग क्या होता ब्रिटल ओके ब्रिटल मीन्स ब्रेकेबल द थिंग विच इज इजिली ब्रोकन इज कॉल्ड फ्रजाइल या ब्रिटल राइट मीन्स वो थिंग विच इज हार्ड बट इजिली ब्रोकन इज कॉल्ड फ्रेजाइल ठीक है अपोजिट क्या हो जाएगा इसका अनब्रेकेबल जिसको तोड़ा ना जा सके ओके तो, नेक्स्ट वर्ड देखो मैग्नानिमस मैग्नानिमस किसे कहते हैं मैग्नानिमस मैग्नानीमस मींस अ पर्सन हु इज हाई हार्टेड बिग हार्टेड राइट जेनरस फिलेंथ्रोपिस्ट ऐसे हम क्या कहते हैं मैग्नानीमस लिख लो इसे जेनरस ओके मैगनानीमस मीन्स जेनरस बेनी वोलेंट हाई हार्टेड मीन्स काइंड हार्टेड राइट उसे हम कहते हैं मैगनानिमस बड़े दिल वाला ओके okay? लेकिन इससे कुछ अपोजिट भी होते हैं जैसे बेनीवालेंट तो दूसरा वर्ड क्या होता है मैली वॉलेंट किसे कहते हैं कैलस कैलस मीन्स हार्ड मिसेंथ्रोपिस्ट ये एडजेक्टिव है मिसेंथ्रोपिक कर दो राइट right, क्रूअल क्या लिख सकते हो जो नहीं सुनता किसी की वाई आर यू सो कैलेस ठीक है सेंटेंस भी बना सकते हो वाई आर यू सो कैलेस ये नेगेटिव टोन है बट इसका पॉजिटिव में क्या करेंगे जेनरस ठीक है हाउ जेनरस ऑफ यू टू हेल्प मी नेक्स्ट वर्ड क्या एम A -M -A T E U R इसका मीनिंग क्या होता इसका मीनिंग होता लिख लो नोवेस मीन्स बिगिनर पर्सन हु डज समथिंग जस्ट फॉर फन एंड एंटरटेनमेंट इज कॉल्ड एम एच राइट या नोविस बिगनर नॉन प्रोफेशनल और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा प्रोफेशनल अ पर्सन हु टेक्स मनी बाय डूइंग समथिंग देन हिज कॉल्ड प्रोफेशनल और जो पैसे नहीं देता उसे क्या बोलते हैं नो सिक्खिया हिंदी में क्या बोलते हैं नो सिक्ख्या राइट अ नोविस ड्राइवर थ्री पीपल ऑ द पॉइंट इज क्लियर ओके सो द नेक्स्ट वर्ड इज एम एच चोर ओके इसका मीनिंग क्या होता है देखो इसका मीनिंग होता है नौविसके इसका मीनिंग होता है क्या बिगिनर बिगनर या नॉन प्रोफेशनल क्या मीनिंग हिंदी में होता देखो जब कोई इंसान कोई कार्य करता है और उसका चार्ज नहीं करता है ही डज समथिंग जस्ट फॉर फन देन इट इज कॉल्ड अ right राइट अ पर्सन हु डज समथिंग जस्ट फॉर फन एंड एंटरटेनमेंट अम्यूजमेंट उसे क्या बोलते हैं अमेथ्यूर हिंदी में कहते हैं नौसिक्ख्या राइट right? बिगनर जैसे मैं बोलूं कि नोविस ड्राइवर किल्ड थ्री पीपल ओके इसका अपोजिट क्या हो जाएगा प्रोफेशनल राइट जो लोग प्रोफेशनल होते हैं ओके और जो नहीं होते उसे क्या बोलते हैं एम या नोविस या बिगिनर नॉन प्रोफेशनल ओके पॉइंट इज क्लियर सो द नेक्स्ट वर्ड इज बैनिश ओके अब यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है बैनिश और वैनिश ओके okay, तो याद रखो आई एम टॉकिंग अबाउट बी बैनिश बैनिश का मीनिंग होता है एग्जाइल एग्जाइल मीन्स डिपोर्ट ओके मींस हिंदी में कहते हैं वनवास देना तड़ी पार करना ओके okay. ओके okay. तो उसे कहते हैं बैनिश राम जी वॉज बैनिश्ड फॉर फोर्टीन ईयर्स राइट अब ये वर्ड की जगह पे चूंकि ये काफी पुराना वर्ड है अब तो वनवास होता नहीं है अब जंग अब क्या करते हैं लोग देश से निकाल देते हैं उसे निकालने को क्या बोलते हैं एग्जाइल करना ही वॉज़ एग्जाइल्ड राइट इस बैनिश का मीनिंग क्या होता है डिसपियर ओके okay? तो एक एग्ज़ाम ये एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बैनिश का अपोजिट बताओ मींस इसका एंटोनिम बताओ तो क्या हो सकता है बैनिश बैनिश का मीनिंग होता है किसी को निकालना राइट right? किसी गांव से शहर से या देश से निकालना ओके okay, वनवार्श देना आज की डेट के हिसाब से निकाल देना राइट right? लेकिन पहले इसका मीनिंग क्या था वनवार्श देना तो इसका अपोजिट मीनिंग लिख लो वेलकम क्या करना किसी को स्वागत करना वेलकम बुलाना ठीक है डमेटिक तो नेक्स्ट वर्ड इज डॉगमेटिक डॉगमेटिक से कहते डॉगमेटिक ओके दूसरा क्या है बिगोटेड देखो इसका नाउन क्या होता डॉगमा डॉगमा मीन्स बिगॉटरी ओके अ बिलीफ विच इज़ ऑलमोस्ट अनट्रू वैसा विश्वास जो कि गलत होता है उसे क्या बोलते हैं डॉगमा और इस विश्वास में जो सपोर्ट करता है उसे क्या बोलते हैं डॉगमेटिक dogmatic या बिगोटेड या रेसिस्ट या रिलीजनिस्ट राइट हिंदी में कहते हैं कट्टर ठीक है जब कोई इंसान अपनी विचारधाराओं में बहुत ही क्या हो ऑर्थोडॉक्स हो कट्टर हो तो उसे हम कहते क्या बोलते हैं डॉगमेटिक ओके ही सो डॉगमेटिक इस तरह से यूज़ कर सकते हो ओके या बिगॉट ये नाउन है इसका क्या बन गया ये एजेक्टिव ओके अब देखो द नेक्स्ट वर्ड इज श्रूड 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 मीन्स श्रूड का मीनिंग क्या होता इसका मीनिंग होता सगेशियस शुरूड का मीनिंग समझ लो अ पर्सन हु इज गुड एट मेकिंग डिसीजन राइट अ पर्सन हु इज़ गुड एट मेकिंग डिसीजन इज कॉल्ड शुरूड ओके माय फादर इज अ शुरूड बिजनेसमैन, राइट ओके इस मीन्स चतुर चलाक बुद्धिमान अक्लमंद उसे क्या कहते हैं शुरू सगेशियस वाइज, एक्यूमेन, प्रूडेंट ये सारे वर्ड का यूज़ किया जा सकता है राइट right? उसे कहते हैं द नेक्स्ट वर्ड इज वैलियंट वैलियट मीन्स गैलेंट मीन्स ऑडेशियस डेयरिंग ब्रेव बहादुर ठीक है वैलेंट मींस बहादुर ट ऑडेशियस डर ब्रेव थियर जूलियस सीजर वॉज वैलियंट ओके ऑडिशियस डियरिंग ब्रेव इसका अपोजिट क्या हो जाएगा कॉवर्ड टिमिड ओके चिकन हार्टेड राइट कमज़ोर दिल वाला डरपोक से ये कहते हैं ठीक है तो इस तरह से मैंने आज भी ये कोशिश की काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स ठीक है जो पढ़ाया गया है. ये पार्ट जो था वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स और इससे रिलेटेड कई वर्ड्स थे तो यू शुड ट्राई टू इन रीच ओके वर्ड पावर ओके सो प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहो इन शब्दों को ओके okay? और देखो आप प्रीवियस एग्जाम में भी इससे काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं जो मैंने पढ़ाया और उम्मीद है कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे एस एस में ओके सो प्रैक्टिस करो ओके okay? और मुझे उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाओगे दैट्स ऑल थैंक यू वेरी मच